वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरोर। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फोन पे से बिल पे करते हो तो आपको कैशबैक क्यों नहीं मिलता है, और दोस्तों आपको कैशबैक कैसे मिलना चाहिए वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हेल्पफुल भी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं मेरे फ़ोन में फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, आप क्या करते हो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या ऑफर चल रहा है, भी आपको पता नहीं होता है। तो ऑफर कैसे देखते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे चले जाइए पहले। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जाने के बाद आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी सिलेक्ट करिए। मेरा महावितरण है तो मैं महावितरण को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑफर दिया गया है, गेट अ स्क्रैच कार्ड एंड विन। आप 1,000 रुपये तक यहाँ से जीत सकते हो, और बिल आपको मिनिमम बिल भरना पड़ेगा 200 रुपये से ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप 200 रुपये से ऊपर बिल पे करते हो तो आपको 1,000 रुपये डेफिनेटली मतलब मिल जाएगी। कभी ना कभी ऑफर चल रहा है अभी, नहीं तो आपको 10-20 रुपये तो मिलेगी ही कैशबैक। इस तरीके से दोस्तों बिल का कैशबैक लेते हैं, और यहाँ पे बिल कंज्यूमर नंबर और यहाँ पे सब डिविजन कोड डाल के आपको बिल प्ले करना है, और इस ऑफर को एक्टिवेट करके आपको बिल को प्ले करना है। तो आपको दोस्तों उसका जो कैशबैक है वो मिल जाएगा। मेरे को मिला है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं अभी इससे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने 330 रुपये का बिल पे किया है तो मुझे मिला है कैशबैक 10 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से कैशबैक को रिसीव करना है आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।